दिन सारे बच्चे को वेलकम। बच्चा लोग, आज हम लोग एक न्यू लेसन को पढ़ने वाले हैं और ये लेसन जो है क्लास सिक्स के लिटरेचर पोर्शन का लेसन है, जिसका नाम है रानी चेनम्मा ऑफ कित्तूर। तो चेनम्मा जो है बच्चे लोग, एक क्वीन का नाम है जो कहाँ की महारानी बनी, कित्तूर की महारानी बनी। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीड अबाउट द ब्रेव रानी चेनम्मा ऑफ कित्तूर, अ टाउन इन कर्नाटका, हु took on the might of the British Empire single-handedly। कह रहा है कि आप बहादुर रानी चेनम्मा के बारे में पढ़िए, जो कि कित्तूर की महारानी थी। और कित्तूर जो है वो कहाँ है, तो कित्तूर एक शहर है जो कि कर्नाटका में है, और कर्नाटका की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु है। तो जिन्होंने क्या किया, ऑन द माइट, तो माइट यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है कि मे का यहाँ पे मी टू फॉर्म एज अ माइट यूज़ किया गया है, बल्कि यहाँ पे माइट का मतलब जो है वो ताकत है। जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की ताकत से, ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत से जो अकेले लोहा लिया, अकेले सामना किया। आइए समझते हैं। इन 1794 अ 15 ईयर ओल्ड चेनम्मा ऑफ काकाती कर्नाटका वॉज मैरिड टू राजा मल्लशर्ज देसाई ऑफ कित्तूर। कहा जा रहा है कि 1794 में 15 साल की एक बच्ची, या 15 साल का कह सकते हो कि जब रानी चेनम्मा 15 साल की थी, उस समय वो कहाँ की मतलब राजकुमारी थी, तो काकाती की काकती की वजह थी वो राजकुमारी थी। और ये काकती कहाँ है, तो ये भी कर्नाटका में है, जिनकी शादी जो है वो राजा मल्लसर्जा के साथ हुई। अब राजा मल्लसर्जा कहाँ के राजा थे, तो कित्तूर के राजा थे। चेनम्मा हैड वॉन द राजाज हर्ट व्हेन शी चैलेंज्ड द किंग ऑफ कित्तूर हिमसेल्फ ओवर अ डेड टाइगर, क्लेमिंग शी हैड शॉट इट डाउन विद हर एरो फर्स्ट। अब कह रहा है कि जैसे सारे बच्चे लोग, अगर आप में से कोई बच्चा अगर बाहुबली देखा होगा, तो उसमें क्या है ना कि जब जंगली शेरों का आतंक बढ़ जाता है, तो क्या हुआ था कि दोनों जो थे बाहुबली जो थे, और क्या बोलते हैं जो उनकी मतलब जो वहाँ की राजकुमारी थी, दोनों जब शिकार पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जंगली शेर को मार दें। और फिर उसमें देखा जाता है कि वो जो बाण है, मतलब जो एरो है, वो किन का है। तो ठीक उसी तरह से जो रानी चेनम्मा थी, वो भी एक बार शिकार पे गई हुई थी, और राजा मल्लसर्जा जो थे वो भी शिकार पे थे। तो हुआ ये कि उन्होंने क्या किया, एक टाइगर को मारा। उस टाइगर पे जो था वो रानी चेनम्मा ने बहुत ही ब्रेवली, बड़े ही बहादुरी के साथ का क्लेम किया कि ये जो टाइगर है वो किसके द्वारा मारा गया है, वो रानी चेनम्मा के बाणों से पहले मरा, बाद में जो है वो राजा मल्लसर्जा की बाण लगी उनको, मतलब उस टाइगर को। बोल्ड ओवर बाई हर ब्यूटी एंड करेज, राजा मल्लसर्जा मैरिड चेनम्मा ऑल्दो ही हैड अ वाइफ रुद्रमा। अब कह रहा है कि जो राजा मल्लसर्जा थे, बोल्ड ओवर मतलब होता है अट्रैक्टेड होना, कि वो इतने ज़्यादा रानी चेनम्मा की सुंदरता से और उनके साहस से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए। और उन्होंने क्या किया, रानी चेनम्मा से जो है क्या कर ली, उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उनकी एक पहले से भी पत्नी थी जिनका नाम क्या था, रुद्रमा था। आइए समझते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। A few years later, Rani Chennamma gave birth to a son, Sivasvas Raja. अब करा कुछ सालों के बाद रानी चेनम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम क्या रखा गया, Sivasvas Raja. रानी रुद्रमा टू बोर अ सन, शिवलंग रुद्रश्रज। जो रानी रुद्रमा थी उन्होंने भी एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया शिवलिंग रुद्रश्रज, उसका नाम रखा गया। तो रानी चेनम्मा से का जो बेटा था उसका नाम क्या था, उनका नाम था शिवस्वस रजा। और रानी रुद्रमा का जो बेटा था उसका नाम क्या था, शिवलंग रुद्रश रजा नाम था। As the two boys grew up, रानी चेनम्मा taught them swordsmanship and horse riding. जैसे जैसे वो दोनों बच्चे बड़े होने शुरू हो गए, जो रानी चेनम्मा जो कि खुद ही एक बहादुर स्त्री थी, खुद ही एक बहादुर महिला थी, उन्होंने क्या किया, उनको सिखाना शुरू किया। अब आप बताओ, आज से बहुत साल पहले जब हम लोग जाएंगे, तो जो राजा महाराजा के बेटे होते थे उनको थोड़ी पढ़ाया जाता होगा कि 1 kg चीनी का कीमत 5 रुपया है, तो 100 ग्राम चीनी का कीमत कितना होगा, या 2 का टेबल पढ़ो, ऐसा तो नहीं पढ़ाया जाता होगा। तो उन लोगों को क्या सिखाया जाता था, जैसे तलवारबाजी हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, घुड़सवारी हो गया, युद्ध कैसे लड़ते हैं, युद्ध में भाग कैसे लेते हैं, चक्रव्यूह कैसे बनाते हैं, रणनीति कैसे बनाते हैं, ये सारी बातों को सिखाया जाता होगा। तो इन दोनों बच्चों को, शिवस्वस रजा और शिवलिंग रुद्रश रजा, इन दोनों बच्चों को जो था रानी चेनम्मा ने किन किन चीज़ों की शिक्षा दी, तो शॉर्टमैनशिप की शिक्षा दी और हॉर्स राइडिंग की शिक्षा दी। रानी चेनम्मा टेक टू गुड केयर ऑफ द पीपल ऑफ अर स्टेट व्हेन देयर वाज अ ड्रॉट। अब कह रहा है कि जो रानी चेनम्मा थी
वो अपने राज्य के लोगों का बहुत ही अच्छे से देखभाल करती थी। वेन देर वॉज अ ड्रॉट, एक बार क्या था कि उनके राज्य में जो है वो क्या पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट है ड्रॉट। रानी चेनामत, रानी देर हैव बीन नो रेन्स दिस ईयर, वी हैव नो ग्रीन। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये सारे क्या है, तो रानी चेनामत के स्टेट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि रानी इस बार जो है कोई भी बारिश नहीं हुई है हमारे राज्य में, और इसलिए हमारे पास जो है वो खाने के लिए कोई अन्न नहीं है। डोंट वरी, वी विल सेंड फूड ग्रीन्स फॉर आवर ग्रीनरीज टू योर विलेज। तो रानी चेन्नम्मा कहती हैं कि कोई बात नहीं, वो क्या करने वाली, अपनी फूड ग्रीनरीज से, अपनी ग्रीनरीज से, ग्रीनरीज का मतलब होता है अन्नागार या अन्न भंडार, कि अपने अन्न भंडार से जो है वो पूरे गाँव को क्या देने वाली हैं, अन्न देने वाली हैं। आइए समझते हैं हम लोग इसके अगले पेज को। Once during her tour of Kittur, she came across some Africans who had been enslaved by the Portuguese in India. They had escaped from Goa and had no home. अब आप भी जानते हो बच्चों लोग कि पुर्तगाली अगर कहीं सबसे पहले आए थे तो वो गोवा में आए थे। अब कह रहा है कि once during her tour of Kittur, एक बार जब वो अपने राज्य का दौरा कर रही थी, राज्य में घूम रही थी, she came across some Africans, तो उनका सामना जो हुआ कुछ अफ्रीकन से हुआ, who had been enslaved by the Portuguese, जिनको क्या कर लिया गया था, पुर्तगालियों ने क्या बना लिया था, गुलाम बना लिया था। escape मतलब होता है भाग जाना, बट वे लोग क्या किए, गोवा से भाग गए और अब उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं था। तो रानी चेन्नम्मा कहती हैं टेक दिस लैंड, कि ये जो हमारी ज़मीन है, ये जो कित्तूर की ज़मीन है, आप उसको क्या कीजिए, आप वहाँ पे रहिए। और बोलती हैं टेक दिस लैंड मेक कित्तूर योर होम, कि आप जो है वो कहाँ रहिए, आप कित्तूर की धरती पे रहिए और इसी को अपना घर समझिए। आप देख सकते हो कि ये सारे जो अफ्रीकन्स हैं जिनको पुर्तगालियों ने क्या किया था, गुलाम बना लिया था, और ये लोग वहाँ से बच निकले थे। आइए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट कन्वर्सेशन को। सिदना साहब ऑफ अमातूर अप्रोच्ड रानी चेन्नम्मा आस्किंग फॉर अ डोनेशन टू रेनोवेट अ मॉस्क्यू। द कोर्टेज डिड नॉट विश टू गिव हिम द मनी, द रानी पेड आउट द पर्सनल फंड्स। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, सिदना साहब, बच्चा लोग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो नाम है वो कैसा नाम है, तो ये इस्लाम धर्म का एक नाम है। तो सिदना साहब जो थे वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इस्लाम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो एक बार रानी चेन्नम्मा के पास पहुँचे और बोले कि उनको कुछ डोनेशन चाहिए। डोनेशन का मतलब होता है चंदा या पैसे जिसको बोलते हैं, या दान जिसको बोलते हैं। उनको डोनेशन यानी कुछ चंदे चाहिए, किस लिए चाहिए, रेनोवेट। रेनोवेट का मतलब होता है बच्चे लोग जीर्णोद्धार करना, समझिए। जैसे कोई मंदिर पुराना हो जाता है तो उसके छत वगैरह टूट जाते हैं, तो उनकी दोबारा से रिपेयरिंग करना, दोबारा से उन पर डेंटिंग पेंटिंग करना जो है वो जीर्णोद्धार करना कहलाता है। तो यहाँ पे रेनोवेट किसके, किसका रेनोवेट के लिए उनको पैसे चाहिए था सिद्धांत साहब को, तो एक मॉस्क्यू, एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए जो उनको पैसे चाहिए थे। और क्या लिखा, द कोर्टियर्स मतलब जो दरबारी लोग थे उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। तो फिर रानी चेन्नम्मा ने क्या किया, अपने पर्सनल फंड से, उनके खुद के जो पैसे थे, उनके खुद के जो मतलब वो संभाल के पैसे रखते थे, उन मतलब राजकोष से नहीं, मतलब राज्य की जो संपत्ति है, धन, उससे उन्होंने पैसे नहीं दिए, बल्कि अपने संपत्ति से उन्होंने क्या किया, उनके पास जो पैसे थे उससे उन्होंने क्या किया, सिद्धांत साहब को वो अमाउंट दिया, वो डोनेशन दिया। हेयर इज 10,000 rupees फॉर द रिपेयर्स टू योर मॉस्क्यू। आगे से यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कितने रुपए दिए सिद्धांत साहब को, तो 10,000 rupees दिए। कितने दिए, 10,000 rupees जो है उन्होंने सिद्धांत साहब को दिए, किस लिए दिए, टू रेनोवेट, फॉर द रेनोवेशन ऑफ द मॉस्क्यू, मॉस्क्यू के जीर्णोद्धार के लिए, मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए। तो सिद्धांत साहब कहते हैं यू आर लाइक अ मदर टू ऑल ऑफ अस। सिद्धांत साहब कहते हैं कि आप जो है मतलब रानी चेन्नम्मा जो है सभी लोगों के लिए एक माँ की जैसी हैं। क्यों माँ के जैसी, क्योंकि एक माँ जो होती है वो कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। जैसे हमारी भारत माँ जो है वो कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं करती है कि वो हिंदू है, हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। इसलिए जो सिद्धांत साहब है वो क्या कहते हैं, रानी चेन्नम्मा को माँ के नाम से बुलाते हैं, माँ की उपाधि देते हैं। आइए समझते बच्चे लोग हम लोग इसके अगले पेज को।
Raja Mal Sarja was involved in the politics of the times. He helped the British. अब कह रहा है कि उस समय जो राजा मल्ल सरजा थे वो पॉलिटिक्स यानी राजनीति में व्यस्त हो गए. ही हेल्प द ब्रिटिश, उन्होंने क्या की, अंग्रेजों की मदद की. पेशवा बाजीराव वॉज एंगर्ड बाई हिज बिहेवियर फ्रॉम हिज अलाय. अलाय मतलब मित्रता होता है. तो जो पेशवा बाजीराव थे, थोड़ा सा पेशवा बाजीराव के बारे में समझते हैं बच्चे लोग. पेशवा जो था एक पोस्ट था, जिस तरह से सेनापति का एक पद होता था उसी होता था. और जो अभी भी जो मिल रहा कि क्या बोलते हैं कि जहाँ पे भी राजतंत्र है वहाँ पे आज भी सेनापति होते हैं, जहाँ मोनार्की सिस्टम है. तो जो उसी तरह से जो पेशवा था तो वो भी क्या था, एक पोस्ट था, एक पद था जो सेनापति से भी बढ़कर था. और ये पोस्ट जो है मराठाओं में होता था, पेशवा बाजीराव में. आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेशवा बाजीराव थे वो राजा मल्ल सरजा के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो गए. क्यों? क्योंकि राजा मल्ल सरजा ने जो थी वो अंग्रेजों से दोस्ती कर ली थी और उनकी मदद कर रहे थे. ही मेड मल्ल सरजा साइन इन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू विच द राजा हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू हिम एवरी ईयर. और इसलिए उन्होंने क्या किया, राजा मल्ल सरजा से एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट यानी एक सहमति पत्र पर साइन करवाया, जिसमें जो था वो राजा मल्ल सरजा को एक निश्चित अमाउंट में जो पैसे हैं वो हर साल जो है किसको देना था, पेशवा बाजीराव को देना था. अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि क्यों ऐसा है जो पेशवा बाजीराव को पैसे देंगे. मल्ल सर जैसा बोल सकते जाओ नहीं देंगे तुम क्या कर लोगे. तो आपको बता देते हैं क्योंकि उस समय जो था जो हमारे साउथ कंट्रीज हैं वहाँ पे धीरे धीरे जो मराठाओं का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगा था. और जिसके वजह से जो लोग जो थे वो मराठाओं की बात को मानते थे. और इसी बात के चलते जो थे राजा मल्ल सरजा भी पैसे देने के लिए तैयार हो गए. लेटर बाजीराव इन्वाइटेड मल्ल सरजा टू पुणे. बाद में जो था बाजीराव ने मल्ल सरजा को पुणे के लिए बुलाया. मल्ल सरजा वॉज इम्प्रिजन एट शनिवार वाड़ा फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स. अब कह रहा है कि वहाँ पे क्या कर लिया गया, पुणे के शनिवार वाड़ा. शनिवार वाड़ा क्या, तो किले का नाम है. तो पुणे के शनिवार वाड़ा में जो था उनको क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया लगभग 3 सालों के लिए. किसको कैद कर लिया गया, राजा मल्ल सरजा को. दिस एडवर्सली अफेक्टेड हिज हेल्थ, जिसका जो है इनके स्वास्थ्य पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ा. क्यों विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि 3 साल तक जो थे वो अपने परिवार से दूर थे, वो पेशवा बाजीराव की कैद में थे. आइए समझते हैं इसके अगले पेज को. ट्रेजरी स्ट्रक व्हेन मल्ल सरजा देसाई डाइड इन 1816 ऑन हिज वे बैक फ्रॉम पुणे लिविंग बिहाइंड 2 यंग सन्स एंड अ स्टेट फुल ऑफ वोलाटिलिटी. अब कह रहा है कि उनका जैसे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उनको क्या कर दिया गया, शनिवार बड़ा से छोड़ दिया गया. और जब वहाँ से तो कह रहा ट्रेजडी, एक दुर्घट घटना कब हुई, जब मल्ल सरजा की डेथ हो गई 1816 में, जब वो पुणे से लौट रहे थे लिविंग भी. अब क्या हुआ ना कि शनिवार बड़ा से उनको छोड़ दिया गया 3 साल बाद. तो जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही जो उनकी है वो क्या हो गई, मृत्यु हो गई. ऑन हिज वे बैक फ्रॉम पुणे, मतलब जब वो पुणे से लौट रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई. और वो अपने पीछे जो है वो 2 बच्चों को छोड़ के चले गए, 2 छोटे बच्चों को छोड़ के चले गए, शिवलिंग रुद्र सजा और शिवस्व सजा, एंड स्टेट फुल ऑफ वोलाटिलिटी, और एक साम्राज्य को छोड़ करके वो चले गए. कौन छोड़ करके चले गए, तो राजा मल्ल सरजा छोड़ करके चले गए. वोलाटिलिटी मतलब होता है इनस्टेबिलिटी, मतलब अस्थिरता, कि उनका जो राज्य था वो अस्थिर हो गया. क्यों अस्थिर हो गया, क्योंकि इस राज्य का अब कोई भी राजा नहीं था उस समय, इसलिए राज्य वो क्या हो गया, अस्थिर हो गया. आइए समझते हैं. आफ्टर राजा मल्ल सरजा डेथ रानी रुद्रमा सन शिवलंग रुद्र सजा वॉज क्राउंड बाई रानी चेनामा. द हर्षन प्रिंस शिवस्व सरजा वॉज ओल्डर देन हिम एंड दस द राइटफुल डियर टू राइटफुल आयर टू द थ्रोन. अब कह रहा है कि जब राजा मल्ल सरजा की मृत्यु हो गई तो रानी रुद्रमा का जो बेटा था जिसका नाम था शिवलिंग रुद्र सजा, उसको जो है क्राउन मतलब उसको जो है वो सिंहासन पे बैठाया गया, उसकी जो है वो ताजपोशी की गई. हालांकि जो राजकुमार बनने का, जो राजा बनने का जो अधिकार था वो शिवस्व सरजा का था. क्यों, क्योंकि वो बड़े थे, जो वो थे रानी रुद्रमा यानी शिवलिंग रुद्र सरजा जो थे उनसे बड़े थे उम्र में. और आप भी जानते हो कि हमारे सिद्धांतों में या फिर हम पहले जो भी राजा महाराजा होते थे उनके बड़े बेटे को ही राजपाट मिलता था. महाभारत में भी देखोगे तो कहना था कि युधिष्ठिर चूंकि बड़े हैं तो राजपाट जो है उनको मिलना चाहिए था. तो ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कि जो रानी चेनम्मा थी उन्होंने किसको दे दिया राज सिंहासन,
तो शिवलिंग रुद्रस राजा को वो सिंहासन दे दिया। ओके बच्चे लोग, इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, इसके अगले पेज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप सारे ही बच्चे को हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।